हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ग्रीस आर्किटेक्चर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आपसे बात करेंगे 25 फीट बाई 40 फीट प्लॉट साइज प्लानिंग के बारे में, जिसको हमने 2BHK प्लान किया हुआ है। डियर फ्रेंड्स, इस प्रॉपर्टी के वन साइड रोड है और 3 अदर साइड अदर लोगों की प्रॉपर्टियां हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे, ये हमारा रोड रहेगा, यहाँ से हमारी एंट्री है। 7 फीट चौड़ी हमने एंट्री रखी है। जैसे ही आप घर के अंदर एंट्री करते हैं तो ये हमारा पोर्च एरिया रहेगा और यहीं से हमारा स्टेयरकेस फर्स्ट फ्लोर के लिए जाएगा। इस पोर्च एरिया में आप 2 से 3 बाइक आसानी से पार्क कर सकते हैं। यहाँ से आप देखेंगे एक पैसेज दे रखा है इस साइड जाने के लिए। यहाँ पहली सीढ़ी पर आप अप करेंगे, फिर इस साइड ये पूरा पैसेज रहेगा जो कि हमारा 2 फीट 6 इंच चौड़ा पैसेज। यहाँ से आप घर के अंदर एंट्री करते हैं। जैसे ही आप घर के अंदर एंट्री करते हैं तो यहाँ आप देखेंगे ये हमारा लिविंग हॉल रहेगा। ये पूरा हमारा लिविंग हॉल का एरिया है, 13 फीट 7 इंच बाई 12 फीट 9 इंच का ये हमारा एरिया रहेगा, जिसमें इस साइड हमने सोफा सेट रखा हुआ है, इस साइड हमारा टीवी यूनिट रहेगा। इस लिविंग हॉल के वेंटिलेशन के लिए 2 विंडो का हमने यूज किया है। एक विंडो हमारा स्टेयर की तरफ रहेगा, मेन गेट की तरफ, दूसरा विंडो हमारा पैसेज की तरफ रहेगा। तो आपके लिविंग हॉल का प्रॉपरली वेंटिलेशन रहेगा, फ्रेश एयर आपके लिए मिलता रहेगा। यहाँ सामने पर हमारा किचन है, 7 फीट बाई 10 फीट का हमारा किचन रहेगा। किचन में ये हमारा प्लेटफॉर्म है, इस साइड हमारा गैस स्टोव रहेगा, इस साइड हमारा सिंक रहेगा। यहाँ आप देखेंगे एक विंडो हमने दिया है और इस साइड हमारा वॉश एरिया रहेगा, 7 फीट बाई 6 फीट 4 इंच का। इस वॉश एरिया में आप अपनी वॉशिंग मशीन भी रख सकते हैं और इंडोर प्लांट लगा सकते हैं, जिससे आपके इनर घर का वातावरण काफी अच्छा बना रहे। यहां से आप एंट्री करते हैं तो ये फ्रंट पर हमारा बेडरूम है, 12 फीट बाई 11 फीट का ये हमारा बेडरूम रहेगा। बेडरूम में ये हमारा बेड रहेगा, ये टीवी यूनिट, यहाँ विंडो रहेगा रोड की तरफ, और इस साइड आप जाएंगे तो ये हमने सीबी मतलब कपबोर्ड डिजाइन किया हुआ है। और यहाँ से आप एंट्री करते हैं तो ये फ्रंट हमारा 4 फीट बाई 7 फीट 3 इंच का टॉयलेट रहेगा जो कि अटैच रहेगा बेडरूम से। और यहाँ एक विंडो दे रखा है ओपन एरिया की तरफ, वॉश एरिया की तरफ, तो इससे भी इस वाले बेडरूम का प्रॉपरली वेंटिलेशन रहेगा। यहाँ से आप एंट्री करते हैं तो डियर फ्रेंड्स, ये हमारा कॉमन टॉयलेट है, 5 फीट 9 इंच बाई 7 फीट का ये हमारा कॉमन टॉयलेट रहेगा, जिसमें ये हमारा शावर एरिया, ये हैंड वॉश के लिए वॉश बेसिन, ये हमारा टॉयलेट सीट। और टॉयलेट के बगल से हमने एक गेट दे रखा है पैसेज में जाने के लिए, तो यहाँ से आप इस पैसेज में जा सकते हैं। यहाँ से आप एंट्री करेंगे तो ये सबसे लास्ट में हमारा बेडरूम रहेगा, 14 फीट 4.5 इंच बाई 10 फीट का ये हमारा बेडरूम है, जिसमें ये हमारा बेड रहेगा, ये वार्डरोब सामान रखने के लिए, कपड़े रखने के लिए, ये टीवी यूनिट, और यहाँ एक गेट दे रखा है इस पैसेज एरिया में जाने के लिए। आप चाहें तो यहाँ विंडो भी आसानी से लगा सकते हैं, जिससे आपके बेडरूम का प्रॉपरली वेंटिलेशन हो सके। तो डियर फ्रेंड्स, 25 फिट बाई 40 फिट, 1000 स्क्वायर फिट में ये बहुत ही शानदार नक्शा हमने प्लान किया हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपके लिए ये नक्शा अच्छा लगा होगा। आप भी अपने घर का नक्शा बनवाना चाहते हैं तो डियर फ्रेंड्स, आप हमें ऊपर दिए हुए नंबरों पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके लिए कम से कम फीस में अच्छे से अच्छा नक्शा बनाकर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।